गर्व की बात है कि सर ने मुझे पूछा कि क्यों रिटायरमेंट ले लिया। सर ने ये भी बोला कि श्री द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। पर्सनली सर इतना क्लोज वॉच करता है स्पोर्ट को, स्पोर्ट्स पर्सन को इतना सपोर्ट करता है, मेरे हिसाब से हमारे लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है। प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच है स्पोर्ट्स को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वो हमेशा उत्सुक रहते हैं हम सबको मोटिवेट करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी मदद करता है। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात होके, मतलब ऐसा लगा कि भाई अब देश के लिए और मेडल आने ओलंपिक में, तो इस हिसाब से मोटिवेट करे प्रधानमंत्री ने। पीएम सर ने गले लगाए तो मतलब बहुत खुशी हुई है, ऐसे का भी सारा देश तेरा परिवार है। उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है क्योंकि वो हमसे काफ़ी अच्छे सवाल पूछते हैं, जैसे बिल्कुल ही हमारे बीच के हो। तब उन्होंने बोला कि तुम सब हार के नहीं आए हो, तुम सब कुछ ना कुछ सीख के आए हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। देश का प्रधानमंत्री हमारा इतना मतलब स्वागत कर रहा है, हमें बहुत खुशी हुई इस बात से। मैंने भी जब थिंक अपना पहला जूनियर इंटरनेशनल में जीता था तो मैं उनको, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। मैंने आज उनके लिए एक रैकेट लेके आया जो मैं उनको दिया, तो आई थिंक वो मेरा शॉट मारने का ट्राई कर रहे थे। खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण होता है कि उनका मनोबल हमेशा ऊँचा रहे, तो जो खिलाड़ी आज पेरिस में पदक जीत कर नहीं आया उसका मनोबल या उसका कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री स्वयं हम लोगों के बीच खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप में से कोई भी हारा नहीं बल्कि सब लोग सीख कर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम सबका मनोबल एक बार फिर से हम ऊर्जा से भर गए हैं। मेरे लिए भी बहुत प्राउड की मोमेंट है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब आपको नाम से और जो आपको नाम दिया जा रहा है हॉकी की वजह से उससे पुकारें, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।